हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्सट्रकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो यार, हम लोगों ने पी ब्लॉक का रिवीजन कर लिया, बिल्कुल अप टू द डेट सिलेबस था। आज से टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है, तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज देनी है वो देखे देख लें। जो अभी तक बच्चों के कॉल आई है कि जो मैसेज आया है कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन काफ़ी ठीक थे, तो उसे अगर चाहो तो वो कर सकते हो, है ना। रिवीजन सीरीज में जीओसी और आइसोमेरिज्म दो लेक्चर में आएगा, क्योंकि एक साथ कराने में बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, है ना। तो छोटे छोटे दो लेक्चर होंगे, एक में जीओसी करेंगे रिवाइज, एक में आइसोमेरिज्म करेंगे और फिर पीवाईक्यू आएगा। तो आज जीओसी आया है, कल आइसोमेरिज्म आएगा और परसों फिर इसके पीवाईक्यू आएंगे। जिन्हें पीवाईक्यूज करने हैं 2022 के, 2023 के, 2022 और 2023 के पीवाईक्यूज पहले से ही अपलोडेड हैं। इस बार जो परसों आएगा, मतलब अपना सेशन पीवाईक्यू वाला, वो 2021 के पीवाईक्यूज का आएगा। तो जो भी चैप्टर मैंने 2022 और 2023 के डिस्कस कर दिए हैं दोनों, उनके लिए पीवाईक्यूज में 2021 आएगा, बाकी के लिए 2023 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी इतनी। तो हम लोग अपना रिवीजन शुरू करते हैं। तुम लोगों को देखो, अगर किसी को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर कुछ लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स जाके dextracam.in पे जाओगे, पीवाईक्यू ऑफ दिस चैप्टर पे हिट करोगे, ठीक, और वहाँ से आके तुम्हें नोट, रिवीजन नोट्स और पीवाईक्यू मिल जाएंगे सारे 2022 के, 23 के, 21 के, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे मिलते जाएंगे, रिस्पेक्टिव टैब्स में वो होंगे। तो वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। और पहले करने का तरीका वही है कि पहले क्या करो, पीवाईक्यू डाउनलोड करो, उन्हें सॉल्व करो और फिर उसके बाद उन्हें लगाओ बैठ के, और धीरे धीरे लगाओ, कोई जल्दी नहीं है लगाने की। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं और अब लगातार ऑर्गेनिक चलेगी। तो शेड्यूल देने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है खास, कि हम लोग एक दिन फिजिकल, एक दिन करेंगे थ्योरी, फिर अगले दिन उसके पीवाईक्यू, फिर और बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में करेंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन, मतलब इसके बाद जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्काइलाइड, एल्कोहल ईथर, एलिएट कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और देन बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ तक पूरा करेंगे कंप्लीट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले लगभग 20 दिन का, तो 10 दिन का तो यही प्रोग्राम है ना, 10 दिन से ज़्यादा ही लगेगा, 5-6-7, मतलब 2-2 दिन लगाएंगे हर चैप्टर में, तो लगभग 12-13 दिन का तो प्रोग्राम तो मैं पता ही दिया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करो। जीओ से स्टेट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू करते हैं, ये मानते हुए कि रिवीजन है, सबने पढ़ा हुआ है, तो हम रिवीजन की तरह ही डिस्कस करेंगे। डिटेल में अगर पढ़ना है तो जीओसी के 6-7 लेक्चर पढ़े हुए हैं, अध्याय बैच वाले वो जाके देख लो, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस्ड है। ठीक है, ये मानते हुए कि तुम रिवाइज करने बैठे हो मेरे, हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, और रेट ऑफ स्पीच का ध्यान रखूंगा, थोड़ा स्लो बोलूंगा, है ना, कभी कभी बहुत तेज़ हो जाता है, या किसी ने कमेंट किया कि सर बहुत तेज़ हो जा रहा है ना। और यार एक चीज़ और कमेंट आया था, किसी बच्चे ने किया था कि सर आप कैलकुलेशन में एरर कर, यार ह्यूमन एरर है, वो हो जाती है कैलकुलेशन में एरर, और कैलकुलेशन तो तुम्हारे एंड पे ही करनी है ना, मेरी कैलकुलेशन देख के तुम क्या कर लोगे, मतलब मैंने पूरा इक्वेशन लिख दी, फार्मूला लिख दिया, कमेंट करके बताना ज़रा कि इक्वेशन लिख दी, फार्मूला लिख दिया, सब कुछ कर दिया, तो मतलब अपने आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना, फाइनल आंसर लिख ही देता हूँ, तो उतना तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, कि अब मेरे से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो ये करने का, है ना। ठीक है, और ये बता दो कि कितने परसेंट रिवीजन कर लिया, कितने परसेंट पीवाईक्यू कर लिए, कहाँ कहाँ तक हो गया रिवीजन, कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करना चाहो कर दो, बिल्कुल बढ़िया, करना ही चाहिए वैसे ही, बताने के लिए कि हाँ सर सीरीज़ बढ़िया चल रही है, पढ़ाई सही चल रही है, बताओ मेरे को इंथू मिलता तुम्हारे कमेंट्स, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव शब्द आया इंडक्शन से, इंडक्टिव शब्द आया किससे? इंडक्शन से। इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन तभी जनरेट होता है जब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इंडक्शन जनरेट होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन चेन थी, और इस पर क्या लगा था, कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ था, कार्बन पर कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ था, और एक्स कैसा था, एक्स इस तरह से लगा हुआ था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, एक्स की कैसे ज़्यादा है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ज़्यादा है। तो एक्स क्या करेगा, एक्स यहाँ पे क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और माइनस, डेल्टा माइनस ले लेगा, और इस कार्बन पे क्या कर देगा, पॉजिटिव लगा देगा। एक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया, माइनस आई कह रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, तो पड़ोस वाले कार्बन पे क्या आ गया, डेल्टा प्लस आ गया। जैसे ही कार्बन पे डेल्टा प्लस आया, उसने पड़ोस वाले कार्बन पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन खींचना उससे शुरू किया, क्योंकि वो भी भाई अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, जब वो न्यूट्रल करना चाहता है तो उसने पड़ोस वाले से खींचे। लेकिन डेल्टा प्लस आने पे भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं हो पाई कि वो एक्स के बराबर हो जाए,
तो उसने रिलेटिवली कम खींच पाए, तो डबल डेल्टा, डेल्टा छोटा नंबर है, डबल डेल्टा का मतलब उससे छोटा नंबर, फिर इसके पीछे गए तो ट्रिपल डेल्टा, और चौथे कार्बन तक आते आते क्या हो जाता है, डाई आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, स्लो करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज स्लो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डाई आउट हो गया, कहाँ तक पहुँचते पहुँचते, चौथे कार्बन तक आते आते, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया, यानी एक्स ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने का मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। तो इसका मतलब है एक्स ने कैसा इफेक्ट लगाया, माइनस का इफेक्ट लगाया, किस पे, ऑन द कार्बन चेन। और अगर हम कार्बन चेन की बात करें तो कार्बन चेन क्या कहता है, कार्बन चेन ये कह सकता है कि हमने एक्स को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कार्बन चेन की तरफ से बैठ के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कार्बन ने कैसा इफेक्ट लगाया, प्लस आई इफेक्ट लगाया, किस पे, एक्स पे। सिंपल बात है, और कोई निमोनिक और कोई तमाशा याद करने की ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करा करो हमेशा, है ना। जब बहुत तुम लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हो तो फिर काम नहीं चलता। ये प्योरली रिवीजन सीरीज़ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें स्पीड ज़्यादा होगी, फुल लेंथ लेक्चर्स ये सीरीज़ 11th वालों के लिए नहीं है। 11th वालों को अगर GOC कभी रिवाइज करनी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ते समय GOC का आना जरूरी है, 11th वाले तब देख सकते, लेकिन शर्त ये है कि इसे देखने के लिए आपको GOC आनी चाहिए पहले से। मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरी बात, पूरा रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन अगर तुम कभी 11th में पढ़ी हो, भूल गए तो भी रिवीजन कर सकते हो, इनफैक्ट 12th में पढ़ के भूल गए तब भी रिवीजन कर सकते हो, लेकिन एक बार देख रखी हो, पहली बार देखने से ये काम में बहुत ज़्यादा आने वाली नहीं है, कोशिश कर सकते हो, तब भी अगर आ जाए तो मेरे को तो उम्मीद कम है। तो ग्रुप सेविंग प्लस आई इफेक्ट कैसे लिखेंगे, तो एक्स ने क्या लगाया, एक्स ने लगाया माइनस आई इफेक्ट, और कार्बन ने लगाया था प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है, ग्रुप सेविंग प्लस आई इफेक्ट में क्या कहेंगे, ग्रुप सेविंग प्लस आई इफेक्ट के लिए क्या कहेंगे कि जो एल्काइल ग्रुप में जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उनका प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। देख रहे हो, ये 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल और मिथाइल, तो जितने कार्बन ज़्यादा होंगे एल्काइल में उतना क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। ट्राइट्रियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन के लिए ये लिख सकते हैं कि जो हैवियर आइसोटोप है वो ज़्यादा प्लस आई लगा रहा होगा, जो हैवियर आइसोटोप है वो क्या लगा रहा होगा, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। अब ये जो थे एल्काइल चेन थी, ये कैसी थी, न्यूट्रल थी, ये कैसी है भाई, न्यूट्रल है, सिंपल बात समझना, ये कैसी है, न्यूट्रल है। अब कोई ऐसी स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज जिसके पास होगा वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लाएगा, तो जिन पे माइनस चार्ज है वो क्या करेंगे, वो अपने चार्ज को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जब चार्ज को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे तो क्या लगाएंगे, वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लाएंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। कैसे समझना है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है कोई भी स्पीशी क्या रहना चाहती, ना तो नेगेटिव रहना चाहती ना पॉजिटिव रहना चाहती, तो न्यूट्रल स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो नेगेटिव स्पीशी तो और ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो CO माइनस में देखो एक कार्बन दूर है नेगेटिव चार्ज, और O माइनस में बिल्कुल पास, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये क्या करेंगे, सबसे जल्दी प्लस आई इफेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी ये ऑर्डर याद रख लो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, क्योंकि मेन से सवाल सीधे सीधे आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट आएगा, आई इफेक्ट कंपेयर करने को भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, लेकिन एप्लीकेशन तो आ ही सकती है इसकी, है ना। तो प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर ये हो गए। अब ग्रुप सेविंग माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट में क्या हो गया, जिन पे प्लस चार्ज है वो न्यूट्रल वालों से देखो ज़्यादा है, जैसे जिन पे नेगेटिव चार्ज था वो किससे ज़्यादा थे, वो न्यूट्रल वालों से ज़्यादा थे, नेगेटिव चार्ज में प्लस आई ज़्यादा था, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा कि माइनस आई ज़्यादा हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर है उसे माइनस आई लगाना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, जैसे नेगेटिव चार्ज अपने आप का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा जिससे कि वो क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक, तो NF3, NR3 और NH3, फिर NO2 आ गया। अब इस कार्बन को देखो अगर ध्यान से, तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, SP, और इस पर कितना है, SP2। तो SP और SP2 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, SP, क्योंकि S करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। FCl BrI में तो हम जानते हैं कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो F ज़्यादा होगा। और यार देखो ये माइनस आई का ऑर्डर ना कई जगह कई लोगों ने गलत लिखवा रखा है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जो मेरा लिखा हुआ वो सही है, मैं ये जानता हूँ, है ना, उसके लिए प्रूफ मत मांगना यार, है ना, प्रूफ फिर किताबों का प्रूफ देना पड़ता, बड़ी मेहनत लगती है, प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, जो मैंने लिखा वो सही है बस, दैट्स इट। ठीक, कई लोग उल्टा सीधा लिख देते फिर लोग हमसे बहस करते आके। तो फिर COR हो गया, फिर CHO हो गया, फिर COR हो गया, फिर OR, OH, ये देखो यहाँ पे भी इसे याद रखने के लिए क्या करो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 6, और इसमें कितने हैं, 2, तो
छह डबल बॉन्ड मिलके ज़्यादा खींच पाएंगे, दो डबल बॉन्ड मिलके कम खींचेंगे, तो माइनस आई इफेक्ट का भी ऑर्डर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ग्रेटर द एस करेक्टर, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके एक्सप्लेनेशन में कई लोगों ने कहा कि सर इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देना, तो इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कि NF3 में अगर देखोगे ध्यान से तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं। फ्लोरीन क्या लगा रहा होगा, माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी फ्लोरीन की ज़्यादा है तो माइनस आई लगा रहा होगा, जिससे डेल्टा प्लस चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अमोन जो NF3 प्लस है उसका माइनस आई इसीलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि F ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, उसने सामने वाले एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया। ठीक, अब अमोनिया को देखो जरा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक, और इसे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे प्लस है। अब तुम ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सी एस थ्री क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, बिल्कुल लगाएगा, सी एस थ्री तो प्लस आई ही लगाएगा। लेकिन जो इन दोनों सी एस थ्री के बीच में क्या आएगा, स्टेरिक रिपल्शन आएगा, क्या आएगा, स्टेरिक रिपल्शन आ जाएगा। और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये एंगल हमारा थीटा टू है और ये एंगल थीटा वन है, तो ये कह पाएंगे कि थीटा वन इज लेस देन थीटा टू। ठीक बोलो, अगर हम ये कह पाएंगे ना कि थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, क्योंकि जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, क्रैक्स वाला कॉन्सेप्ट अगर केमिकल बॉन्डिंग तो मैं थोड़ी बहुत याद आ रही हो कि जितना बीच उंगली के बीच में बॉन्ड बड़ी बड़ी फुटबॉल लगा लो तो क्या होगा, एंगल को ज़्यादा खोलना पड़ेगा, ऐसा करके ज़्यादा खोलना पड़ेगा, अदरवाइज कम खोलना पड़ेगा। तो जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना एस करेक्टर भी ज़्यादा होगा और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, NF3 का, फिर NR3 का, जैसे 1 2 3 अगर लिख लें, 1, 2 और 3, तो आंसर क्या लिखेंगे, 1 का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर 3 का हो गया और फिर 2 का हो गया। 1 और 3 में कैसे कंपेयर किया, क्योंकि F माइनस आई लगा रहा था, उसी एस थोड़ा बहुत तो प्लस आई दे ही रहा होगा, लेकिन हमने उसके बॉन्ड एंगल से उसे कंपेयर कर दिया कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो जैसे अगर तुम याद करो बॉन्ड एंगल के लिए कह सकते हैं ना कि अगर हम ध्यान करें थोड़ा सा कि sp2 और sp3 के लिए जो बॉन्ड एंगल चाहिए sp3 के लिए कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए। sp2 के लिए एग्जैक्ट कितना चाहिए, 120, और इसके लिए 180। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, एस करेक्टर भी बढ़ रहा है, और एस करेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से बात समझ में आ गई। अब इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी इंडक्शन क्या होगा, उतना कम होता जाएगा। भाई कोई दूर चला जाएगा तो याद उसकी कम आएगी ना, है कि नहीं, आंखों के सामने होगा तो ज़्यादा ध्यान में रहेगा ना। तो इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दोनों की तरह से ये ऑपरेट होता है, सिग्मा से भी ऑपरेट होता है और पाई से भी ऑपरेट होता है। अब रेजोनेंस की बात आती है। रेजोनेंस क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसके सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में इनकेपेबल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसी सेम मॉलिक्यूल का एक टाइम पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या होता है इसका मतलब, कि उसी मॉलिक्यूल का सेम टाइम पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर में होंगे, कुछ दूसरे स्ट्रक्चर में होंगे, और वो स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। एक स्ट्रक्चर दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर पहले में कन्वर्ट हो सकता है। जब एक स्ट्रक्चर पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक, तो क्या हुआ रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब कि जब एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की एक्सप्लेन ना कर पाए, तो उसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स सेम कंपाउंड के एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली, अगर सेम कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है, वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होगा। और इंटरकन्वर्टेबल होने का मतलब है कि वो क्या लगा रहा होगा, वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, या फिर उन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह प्रेजेंट होगा, ठीक, या रहेगा। तो लिख लेते, पढ़ लेते हैं, क्या लिखा कि when one structure of a molecule is incapable of showing all the properties of the molecule, then this suggests that there exists more than one structure of the same molecule which are readily interconvertible into each other, which are readily interconvertible into each other. These structures are called resonating structures or canonical structure or contributing structures. ठीक,
एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस और द एक्चुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज द रेजोनेंस हाइब्रिड. एक्चुअल मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह एग्जिस्ट करता है. ठीक, अब बात करनी है कि कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस. मॉलिक्यूल कब रेजोनेंस शो कर पाएगा इसके बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए कि मॉलिक्यूल कब रेजोनेंस करेगा कब नहीं करेगा. तो कब करेगा रेजोनेंस, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. तो टू चेक द प्लेनैरिटी वी विल चेक फॉर हाइब्रिडाइजेशन विच शुड बी आइदर sp2 और sp. हमें प्लेनैरिटी चेक करने का क्या क्राइटेरिया है? कि प्लेनैरिटी हम कैसे चेक करेंगे? कि प्लेनैरिटी चेक करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे. और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हमारा कैसा? या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए. बात समझ में आ रही इतनी? तो भाई बताओ यहाँ तक कि यहाँ तक क्लियर चल रहा है सब? जरूर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब कमेंट करने से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस नहीं होता, कमेंट करने से ये भी पता लग जाता है कि हाँ तुम सुन भी रहे हो ध्यान से, है ना, कि मैंने कब कहा था कमेंट करने के लिए, तुमने किया कि नहीं किया. अभी क्वेश्चंस भी करेंगे सबके, तो कमेंट जरूर करना है. मेरे को लगाने से पहले आंसर आना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि रिविजन कर रहे हो ना. ठीक, फॉर रेजोनेंस दोज ऑर्बिटल शुड बी. अब इस भी बात को सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है? कई लोग इसी बात को यहीं पे रोक देते हैं, कई बुक्स भी यहीं पे रोक देती हैं कि मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए. और प्लेनरिटी कैसे चेक करेंगे? कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? या तो sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए. ठीक, अब इस बात को और टेक्निकली सही कैसे बोल सकते हैं? फॉर रेजोनेंस दोज ऑर्बिटल्स विच आर इन सेम प्लेन. ठीक है, फॉर रेजोनेंस दोज ऑर्बिटल्स शुड बी इन सेम प्लेन विच आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन. लिख देते हैं यहां पर विच आर अंडरगोइंग रेजोनेंस. ऐसे और फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? कि दोज ऑर्बिटल्स विच शुड बी इन सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में है विच आर अंडरगोइंग रेजोनेंस, उन्हें क्या होना चाहिए? जो रेजोनेंस में जा रहे हैं उनका सेम प्लेन होना जरूरी है. अगर सेम प्लेन में नहीं हुए तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, चाहे वो sp हो या sp2 हो. ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे और इसे हम प्रूव करेंगे किस बात से, कि सेम प्लेन में अगर ऑर्बिटल नहीं है प्रेजेंट तो फिर रेजोनेंस नहीं होगा चाहे sp2 हो. इसका एक एग्जाम्पल बेस्ट तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो तुम ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसे हमने पाइरिडीन कहा था. पाइरिडीन में देखोगे अगर ध्यान से, तो पाइरिडीन में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है. किसमें? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है. और ये पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं? पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं. और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड्स कहां? पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. पाई बॉन्ड्स कहां पे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो क्या होगा? तो रेजोनेंस होगा कैसे? इसी तरह से हो पाएगा रेजोनेंस. ठीक है, तो रेजोनेंस इसी तरह से ही हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस बात में. तो बात समझ में आनी भी चाहिए इसकी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, अब अगली बात कर रहा है, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेटिंग स्पीशी. जो रेजोनेट कर रही है उसके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए. जैसे अगर हम लिख लें कि ये एग्जाम्पल हमने लिखा, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट सिंगल वन, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ऑफ रेजोनेटिंग स्पीशी ये लिखा हुआ है इसमें. तो बात समझ में आ गई इतनी? अब एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस करता है. रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स अगर बनाने सीखने की, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होगा, तो उसके लिए डिटेल वाला लेक्चर रेजोनेंस वाला देख लेना, उससे वहां से क्लियर हो जाएगी बात पूरी तरह से. ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सबसे ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरोमेटिक क्वेश्चन करने के लिए बहुत बार मेंस में पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हैं, तो एरोमेटाइजेशन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए सीधे आ गए हम लोग, है ना, कि साइक्लिक कंपाउंड्स किस तरह के हो सकते हैं? तीन तरह के हो सकते हैं. कैसे कैसे? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. क्या कैसे कैसे हो सकते हैं? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. ठीक, फिर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक. कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक कब होगा? कब होगा भाई? मॉलिक्यूल एरोमेटिक तब होगा द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. मॉलिक्यूल, पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर कैसे चेक करेंगे?
टू चेक द प्लेनैरिटी वी विल चेक फॉर हाइब्रिडाइजेशन विच शुड बी आइदर एसपी और एसपी टू, या फिर अपनी सेकंड वाली बात कि वो ऑर्बिटल जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे शुड बी इन सेम प्लेन। ठीक, तो लेकिन हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, एसपी और एसपी टू से ही काम अपना चला लेते हैं, कोई एक आध फंसेगा तो देख लेंगे उसे। ठीक, जैसे अपना पिरिडीन फंस गया था तो वो तुम्हें पता लग जाएगा रेजोनेंस करा के कि गलत कर रहे हो। ठीक, तो कह रहा है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मतलब टू चेक द प्लेनैरिटी वी विल चेक फॉर हाइब्रिडाइजेशन विच शुड बी आइदर एसपी टू और एसपी। वो क्या होगा, या तो एसपी टू होगा या फिर एसपी होगा। ठीक, देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे विद इन द रिंग। विद इन द रिंग मतलब रिंग के अंदर ही क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक, अब इट शुड फॉलो हकल्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है, हकल्स रूल क्या होता है, हकल्स रूल क्या कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विच आर इन कॉन्जुगेशन शुड बी 4n+2π। 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कॉन्जुगेशन में, जहां पे n की वैल्यू 0 से शुरू हो सकती है। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 होगी तो एक, मतलब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितने आएंगे, 2π इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और एक पाई बॉन्ड के रेजोनेंस का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस का मतलब कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस का मतलब है कि केवल पाई बॉन्ड ही कर रहा है रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज के पास खाली जगह है, वो कोई रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ठीक, अब मतलब क्या है इसका, पाई इलेक्ट्रॉन मींस दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस दे कैन बी पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। तो यही है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, तीन तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो वो पाई बॉन्ड होंगे या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर पाई नेगेटिव चार्ज होंगे, ये तीन तरह के हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको, एरोमेटिक बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बेंजीन का केस लेते हैं, बेंजीन का केस ले रहे हैं, तो बेंजीन में देखो कि ये कार्बन कैसा है, पहली कंडीशन प्लेनैरिटी चेक करेंगे तो ये सब क्या है, sp2 है सारे कार्बन, है कि नहीं बोलो भाई, सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 है। ठीक, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, बिल्कुल है, रेजोनेंस भी उतना दिखता है, तो दूसरी कंडीशन भी चेक हो गई कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है और क्या है, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू 3 × 3 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो गया, 6π इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कैसे, 3 पाई बॉन्ड थे और वो हर पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा, तो कितना हो गया, 6π इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, 4n+2π की वैल्यू कितनी आ गई, 6π, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये हकल रूल फॉलो कर रही है, इसका मतलब कैसे है, एरोमेटिक है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन में अगर देखो तो ये निगेटिव चार्ज जो है अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, PsP2 होगा। जब भी निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, PsP2 आ जाएगा, वह sp3 नहीं रह जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, सब कुछ sp2 हो गए। अब ये सब अगर sp2 हो गए तो एक पहली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई करने की क्या है, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो देखो ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, यानी कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, तसल्ली से देखोगे तो हो जाएगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। नंबर 3, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आए वो काउंट कैसे करें हमने, 2 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड थे, प्लस 2 × 2 1 × 2 लिख देते हैं, 1 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से आए, ये आए हैं निगेटिव चार्ज की वजह से, और ये किसकी वजह से आए, ये आए हैं पाई बॉन्ड्स की वजह से। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा,
एरोमेटिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 4n+2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी, तो n की वैल्यू 1, यानी कि ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो आसानी से बात समझ में आनी चाहिए और बिल्कुल आ भी गई होगी ऐसा उम्मीद है मेरे को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिखते हैं कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होती है, पहली दो कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड की फुलफिल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली दो कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर पहली दो कंडीशन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली दो कंडीशन कौन कौन सी थी कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड देयर शुड बी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। ठीक, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा और मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर, तो हम कहेंगे कि वो एंटी एरोमेटिक की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की सेम है। ठीक, थर्ड कंडीशन या सेकंड कंडीशन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4π। अगर 4π का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया तो हम कहेंगे वो कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। कैसा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, 4n π या n प्राइम लिख लो। अगर यहाँ पर तुम्हें इससे दिक्कत हो रही हो तो इसे n प्राइम लिख लो, और n प्राइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, 2, 3, यानी कि 4 का इंटीग्रल मल्टीपल अगर 4 की टेबल में आ गया तो एंटी एरोमेटिक, और 4 की टेबल में नहीं आया तो 4n+2π से हम उसे चेक करेंगे। ठीक, तो इस कंपाउंड को देखो जरा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, यहाँ पे कितना है sp2, यहाँ पे कितना है sp2, यहाँ पे कितना है sp2। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सब जगह, और इस कार्बन पे भी sp2 है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये कैसा है, प्लेनर है। ठीक, ये कैसा है, प्लेनर है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, तो देखो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, तो ये कैसा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है। ठीक, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए यार, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए कितने, 2 × π₁ कितने, 2, तो 4π इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4π इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 की टेबल में आ गया, तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि 4 की टेबल में आ गया। तो बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए आसानी से, कि अगर 4 की टेबल में आया तो एंटी एरोमेटिक, 4n+2 से सॉल्व हो गया एन की वैल्यू इंटीजर, तो फिर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, अब अगली बात करते हैं, क्या अगली मतलब नेक्स्ट, अगली मतलब अगली नहीं है ना, तो नेक्स्ट बात क्या करते हैं, कह रहे हैं कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी नॉन एरोमेटिक। तो फर्स्ट टू कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी फॉलोड, मतलब पहली दो कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड की शुड नॉट बी फॉलोड, मतलब फॉलो नहीं होनी चाहिए। या तो मॉलिक्यूल प्लेनर ही ना हो, कोई ना कोई कार्बन कैसा आ जाए, sp3 आ जाए, या फिर कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही ना हो। दो कंडीशन है क्या क्या, कि कम या तो मॉलिक्यूल प्लेनर ही ना हो या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे अगर हम इन दोनों कंपाउंड में बात करें, तो इसमें कार्बन देखो, ये कार्बन कैसा है, sp3 आ गया, जैसे ही कार्बन sp3 आया कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, डिलोकलाइजेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी बात थी, नॉन एरोमेटिक सबसे जल्दी हो जाता है। अब एरोमेटिसिटी के बाकी क्वेश्चन करने के लिए फिर से अपना GOC वाला लेक्चर खोलेंगे, उसमें एरोमेटिसिटी भी जाएंगे, और उसमें 50 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, 50-55 क्वेश्चन उन्हें कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो रिवीजन के हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम कर ही लोगे। मैजोमेरिक इफेक्ट, अब हमें रेजोनेंस की बात समझ में आ गई है, तो हम मूव कर सकते हैं किस पर, रेजोनेंस पर। रेजोनेंस में क्या किया, मेजोमेरिक इफेक्ट में जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन चेन बनाई थी, वैसे मेजोमेरिक इफेक्ट में भी क्या बनाएंगे, कार्बन चेन बनाएंगे। कार्बन चेन जब बनाएंगे तो इस तरह से कार्बन चेन बन जाएगी पूरी, और यहाँ पे एक क्या लगा दिया हमने, एक एक्स एटम लगाया जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, ये जरूरी बात ध्यान रखने की, क्या है कि एक्स के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, एक्स लोन पेयर रेजोनेंस को इनिशिएट कर सकता है, तो एक्स इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता है आगे की तरफ, बोलो कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स इज पुशिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन चेन, देन वी से दैट एक्स इज शोइंग प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स ने इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ पुश किए। देखो जब भी कार्बन चेन पुश करे या फिर कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश हो, तो हम क्या कहेंगे, वो प्लस है। अगर कार्बन चेन से विड्रॉ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कहेंगे माइनस। अगर पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहे हैं, रेजोनेंस के थ्रू हो रहे हैं, तो हम कहेंगे माइनस एम। और सिग्मा और पाई दोनों के थ्रू हो रहे हैं, विदाउट रेजोनेंस हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, माइनस आई। ठीक है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब
हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं देखो इनमें, पहले तो ये देखो ध्यान से कि एन पे सब पे लोन पेयर है तो ये कैसे लाएंगे, प्लस एम इफेक्ट है, हमें कंपेयर करना है कि ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना अच्छा देने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो बताओ भाई एन आर में क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, और एन आर टू में क्या, एन आर टू को अगर हम ऐसे लिख लें, एन आर टू को अगर हम ऐसे लिख लें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, एन आर टू के पास, सबसे अच्छा प्लस एम कौन लगाएगा, एन आर टू लगाएगा। ओ एच और ओ आर में देखो ये भी प्लस आई लगा रहा है तो कौन लगाएगा, ओ आर। एफ सी एल बी आर आई में, एफ सी एल बी आर आई में फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास भी है और आयोडीन के पास भी है, तो सबसे अच्छा कौन करेगा, एफ करेगा, क्योंकि 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 एक मिनट मैं इसे नीचे उठा के रख लूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दूंगा तो तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि एफ के पास कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, टू पी, और कार्बन के कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टू पी, तो इसमें टू पी ओवरलैपिंग हो रहा है, इसमें कौन सी हो रही है, टू पी थ्री पी हो रही है इसमें, क्योंकि क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल हैं, थ्री पी, ये टू पी फोर पी हो रही है, फिर टू पी फाइव पी हो रही है, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये कैसे हैं, ये हमारे कैसे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन सी होगी, टू पी, तो ये कैसी है, मोस्ट इफेक्टिव। जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, प्लस एम भी ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे कैसी होगी, लीस्ट इफेक्टिव होगी, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर देखो, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ पे कितनी जगह रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे दो जगह रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक पीछे साइड बिजी है तो आगे साइड इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा, हमें इलेक्ट्रॉन किधर देने थे, इधर कार्बन चेन होगी ना, तो अगर ये पीछे बिजी है तो आगे इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा, और कम दे पाने की वजह से क्या होगा, प्लस एम इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब एन का लोन पेयर दो ऑक्सीजन के साथ बिजी होगा तो किसी और को कार्बन को देने के लिए उसके पास बहुत कम व्यवस्था होगी, ठीक। ओ आर और ओ सी ओ आर में तो देखो ये भी इधर बिजी है तो ये अच्छा देगा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, है ना। और ये सब एम इफेक्ट किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, एम इफेक्ट हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, जैसे एच जो आई इफेक्ट था वो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे थे, वो हम लिख रहे थे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, एम इफेक्ट बेंजीन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस लिखते हैं हम लोग माइनस एम में भी, तो देखना हमें माइनस एम, अभी हम लोगों ने प्लस एम देख लिया था, माइनस एम देख रहे हैं, माइनस एम कैसे देखेंगे कि हमने क्या किया कि जो कार्बन चेन थी उससे हमने एक्स इक्वल टू वाई यानी कि एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसमें क्या होगी, वाई जो हो वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो एक्स है, और ये क्या करे, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले। अगर वाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हुआ एक्स से तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कैसे खींचेगा, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन इधर दे दो यार, मेरे को ज़्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। तो वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स एंड हाइड्रोजन दोनों से ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये कहें कि इफ एक्स पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसे भी खींचे, अगर केबल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच पा रहा है तो माइनस आई, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रेजोनेंस के थ्रू खींच पा रहा है तो हम कहेंगे क्या है, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। पहचानोगे कैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोई मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है, ठीक। मौसम यार अजीब सा हो रहा, पता नहीं बार बार कोल्ड हो जा रहा, ठीक। अब इसके एग्जांपल देख लो, अब इसके एग्जांपल में देखो क्या है कि अगर कंपेयर करो तो नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, फिर सल्फर के पास दो ऑक्सीजन है, कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन sp है, और इसका कैसा है sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp2, तो ये सबसे कम खींच पाएगा। इसमें देखो कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कंजुगेशन से मिल भी जा रहे होंगे, इसमें ज्यादा मिल रहे होंगे क्योंकि इस वाला ऑक्सीजन कितनी तरफ बिजी है, ये वाला ऑक्सीजन दो तरफ बिजी है, ये वाला ऑक्सीजन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा कि जब अपने घर से पैसे मिलने लगेंगे तो बाहर से पैसे लेने की जरूरत कम से कम पड़ेगी, ये बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, कि अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बाहर से खींचने की जरूरत कम पड़ेगी। CONH2 में क्या होगा, कार्बन ज़्यादा खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp है, लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, sp sp2 से नहीं कंपेयर करेंगे, और इसमें तो sp से ही कंपेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन ही है,
ठीक। अब बेंजीन के केस में क्या होता है, क्योंकि हम बेंजीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं माइनस आई और प्लस माइनस एम और प्लस एम को, तो हम ये कहेंगे कि एम इफेक्ट, चाहे वो प्लस एम इफेक्ट हो या माइनस एम इफेक्ट हो, वो कहाँ से ऑपरेट करेगा? इट ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस बट नॉट ऑन मेटा पोजिशन इन बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। ठीक, तो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में कहाँ ऑपरेट करेगा? एम इफेक्ट, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। इसे लिख लेना ध्यान से, जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो तुम माइक्रो नोट्स बना रहे हो उस पर भी लिख लेना। क्या कि जो अपना ऑर्थो इफेक्ट है वो कहाँ, मतलब जो एम इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ लगेगा? वो लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगेगा, जबकि आई इफेक्ट सब जगह लगेगा। तो किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहली दो पोजिशन कौन सी होती हैं? ऑर्थो, लेफ्ट और राइट में, दूसरी नीचे वाली दोनों मेटा और अपोजिट वाली पैरा। जब ग्रुप इधर लगाते तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा हो जाएगी। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक, अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। हम लोगों को दो इफेक्ट पता लग गए थे, आई इफेक्ट और एम इफेक्ट, यानी रेजोनेंस और इंडक्टिव हम जानते थे, लेकिन हमें एक तीसरे इफेक्ट की जरूरत पड़ी जिसे हम कहते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हम क्वेश्चन लगाने की सोच रहे थे किससे, इंडक्टिव और मेजोमेरिक इफेक्ट से, वो आंसर नहीं दे रहा था हमें सही सही। जब वो हमें सही आंसर नहीं दे रहा है तो हमें कुछ और जुगाड़ सोचनी पड़ेगी, भाई सिंपल सी बात है। या तो हमें उसी से सही आंसर मिल जाए, अगर हमें उससे आंसर सही नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ नई जुगाड़ सोचनी पड़ेगी, और वही नई जुगाड़ हमारी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अपने नाम से काफी कुछ क्लियर करता है कि ये हाइपर टाइप का कॉन्जुगेशन है, जरूरत से ज्यादा रेजोनेंस हो जाए तो उसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन है यार, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, वो जरूरत से ज्यादा रेजोनेंस है, तो इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ये थोड़ा अजीब सा ही है। और ये थ्योरेटिकल फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना है, थ्योरेटिकल फिनोमेना है, ठीक, ये थ्योरेटिकल फिनोमेना है, तो ऐसे ही रहेगा ये। ठीक, तो इसमें करा क्या गया कि ये तीन कार्बोकैटायन लिखे गए, चार, और इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर की गई। जब स्टेबिलिटी कंपेयर की गई तो इन्हें, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने से ऐसा लगा कि ये ग्रुप जो, जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होता है। रेजोनेंस तो किसी में हो नहीं रहा, इसका प्लस आई उससे कम, और इसका प्लस आई उससे कम, और इसका प्लस आई सबसे कम। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा जिसमें प्लस आई लग रहा है वो सबसे ज्यादा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाएगा और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कर देगा। तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से आंसर आना चाहिए था 1, 2, 3, 4 आना चाहिए था, क्योंकि प्लस का ही टर्शियरी ब्यूटाइल का सबसे ज्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑर्डर 1, 2, 3, 4 ही आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो ऑर्डर आ रहा था, एक्चुअली जो एक्चुअल ऑर्डर का मतलब, कहाँ से लाए होंगे ऑर्डर हम लोग निकाल के? फ्रॉम थर्मोडाइनमिक डेटा, फ्रॉम थर्मोडाइनमिक डेटा, फ्रॉम थर्मोडाइनमिक डेटा जो हम आंसर लाए तो वो जस्ट अपोजिट आ गया। अब सबके हाथ पर फूल गया, क्यों भाई? क्योंकि जैसा हम चाह रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, ना तो आई इफेक्ट काम आ रहा है ना रेजोनेंस काम आ रहा, तो क्या काम आएगा? कुछ और काम आएगा। जब कुछ और काम आएगा तो कुछ और का नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो एक एक करके देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन अलग अलग केसेस में कैसे काम करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे देखेंगे? पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा कि हमने कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होगा, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, इसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और इसे कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। ठीक, अब इससे जुड़े एच को, जो अल्फा कार्बन से जुड़ा एच है उसे हम कहते हैं अल्फा एच। तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है। तो ये अल्फा एच क्या करेगा? ये अल्फा एच इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ पे भेज देगा और ये कार्बोकैटायन के बॉन्ड को शांत कर देगा, मतलब उसे स्टेबलाइज कर देगा, और एच प्लस यहीं रहेगा। दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिख देते हैं, ये केवल कॉपी पे हो रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, एक्चुअल फिनोमिना नहीं है, थ्योरेटिकल फिनोमिना है। कि तुम चाहो कि एच प्लस को टाइट्रेट कर दो, दिस एच कैन नॉट बी टाइट्रेटेड, लिख देते हैं, दिस एच प्लस कैन नॉट बी टाइट्रेटेड, इसे हम टाइट्रेट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे? तो कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम अल्फा एच कहते हैं, और जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ही ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3। तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर इसमें देखो, फिर से इस स्ट्रक्चर को देखो, तो कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे जिसपे 0 अल्फा एच है, इस पर कितना अल्फा एच है? 1। इस पर कितने हैं? 2। और इस पर कितने हैं? 3।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? जिसके पास तीन अल्फा एच है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा एच ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ये बात समझ में आनी चाहिए आसानी से कि जितने अल्फा एच ज्यादा हैं उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया एक बार कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होता है, तो सिग्मा सी एच टू एम टी पी ऑर्बिटल होता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। अब इन केस ऑफ फ्री रेडिकल कहेंगे तो इसे हम कहते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल पे चार्ज तो होता नहीं है, तो फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में भी पहले कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3, और उससे जुड़ा H कैसा होना चाहिए? अल्फा H कहेंगे उसे। तो अब क्या होगा कि जो लोन पेयर था वो बॉन्ड पेयर वो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में टूटेगा और दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल की तरह टूटेंगे। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा एच ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि इसके रिस्पेक्ट में कौन सा, ये कार्बन कैसा है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। इससे कितने जुड़े हुए हैं? जीरो। इससे कितने जुड़ा हुआ है? एक। इससे कितने जुड़े हुए? दो। इससे कितने जुड़े हुए? तीन। तो जितने ज़्यादा अल्फा है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, बात सिंपल सी समझ में आनी चाहिए। ठीक, ये मैंने बना के भी दिखा दिया। तो इन केस ऑफ फ्री रेडिकल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सिग्मा सी एच टू सोमो ऑफ सी एच टू फ्री रेडिकल। मतलब कमेंट करके बताना कि सोमो कितने लोगों ने सुन रखा था मेरे से जो नहीं पढ़े उन्होंने। सोमो मतलब सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? सिग्मा सी एच टू सोमो जा रहा है, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल जा रहा है। होमोलूमो तो सुने होंगे, सोमो तो नहीं सुना होगा। अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ कार्बेनाइंस। कार्बेनाइंस के केस में क्या कहेंगे? कार्बेनाइंस में क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए वेकेंट ऑर्बिटल या कम से कम एटलीस्ट सोमो तो होना ही चाहिए। अगर सोमो तो सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर रेजोनेंस तो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, अब हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के केस में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पहले कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। इसे भी चाहो तो इसे भी लिख लो, इसे भी क्या कहेंगे? ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों तरफ देखेंगे हमेशा। ठीक, और उनसे जुड़े एच को हम क्या कहेंगे? अल्फा एच कहेंगे। ठीक, और अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, तो इसके पास तीन अल्फा एच है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम सिग्मा सी एच टू पाई स्टार ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तुम्हें याद क्या रखना है, इसकी ड्राइंग बनाने को तो आएगी नहीं पेपर में, तुम्हें ध्यान क्या रखना है? एक बात ये इंपॉर्टेंट बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखेंगे। इसे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट दूसरे कलर के पेन से, ये सिग्मा सी एच टू पाई स्टार ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, और तुम्हें क्या ध्यान रखना है? ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा एच ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितनी एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जैसे अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहें तो इसके पास देखो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो नो अल्फा एच, इसके पास तीन अल्फा एच, इसके पास कितने? छह अल्फा एच, और इसके पास कितने? तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? वन टू थ्री, वन सबसे कम स्टेबल और थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ऐसे इसके पास देखो ये कितने अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, इसके पास ये अल्फा, इसके पास ये अल्फा। ठीक, तो इसके पास सिक्स अल्फा एच है, इसके पास भी सिक्स अल्फा एच है। तो याद रखना कि आइसोब्यूटीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांसफर से दोनों ब्यूटीन से। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइसोब्यूटीन के आइडेंटिकल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी, सी एच एच और एच लिख दें, तो अगर तुम इसका बनाओगे मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तो कैसा बन जाएगा? सी एच थ्री फिर से लिख दें, यहाँ पे आ जाएगा सी एच थ्री और ये बन जाएगा सी एच टू। तो आइडेंटिकल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दिस इज ड्यू टू द, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने लिख दी। तो ध्यान रखना कि आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है किससे? ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन से। बात समझ में आ रही होगी आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक, फिर बात करते हैं हीट ऑफ कम्बशन की। हीट ऑफ कम्बशन किसके प्रोपोर्शनल होती है? हीट ऑफ कम्बशन प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के, और नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो इन तीनों में देखो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन तो चार ही है, तो इसके पास अल्फा एच कितना है? इसके पास सिक्स अल्फा एच है।
इसके पास भी 6 अल्फा एच है और इसके पास 2 अल्फा एच है। तो ये आइसोब्यूटीन है, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो एच ओ सी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एच ओ सी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के इन्वर्सल प्रोपोर्शन होती। और इसमें देखो, इसमें देखो ये एल्किन कैसी है, कॉन्जुगेटेड है, और ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। ये कैसी है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होती है, ये कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड में कॉन्जुगेटेड इज मोर स्टेबल। तो ये देते हैं कॉन्जुगेटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन्स, देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन्स, ठीक। तो और रेजोनेंस हमेशा ज्यादा इफेक्टिव है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें बात समझ में आ गई होगी। अभी एच ओ सी की बात कर ली, तो एच ओ एच की बात करते हैं। एच ओ एच क्या है कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है वन मोल ऑफ कंपाउंड को हाइड्रोजनेट करने में, तो ये भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसे भी याद रखेंगे और इसे भी याद रखेंगे। एच ओ एच मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में बताओ कौन किसकी ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा उसमें एच ओ एच ज्यादा होगी। अब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो इसके पास अल्फा गिन लो जरा कितने हैं। सब लोग अल्फा फटाफट गिन पा रहे हैं मेरी तरह जल्दी जल्दी। तो इसमें अल्फा कितने हो गए, 7 अल्फा एच हो गए, इसमें कितने हो गए, 10 अल्फा एच हो गए, और इसमें कितने हो गए, 4 अल्फा एच हो गए। तो अगर 1 2 3 लिख दें तो एच ओ एच का ऑर्डर क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 10, तो इसका एच ओ एच सबसे कम होगा, फिर उसके बाद 7, और फिर सबसे ज्यादा 3, ठीक। तो एच ओ एच का ऑर्डर लिखा जा सकता आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो टेम्परेरी इफेक्ट है। जब क्या होता है, कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल या आता है, तो उस समय पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। तो 45-46 मिनट लग गए यार हम लोगों को जी ओ सी की थ्योरी करने में। अभी जी ओ सी खत्म नहीं हुई है, अभी रुको, है ना, पिक्चर अभी बाकी है। असली बात तो अब शुरू हुई है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे नापेंगे, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा, sp2 आएगा, ये नीचे लिखा हुआ अभी मैंने sp2। और कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, कितने थे इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव आया, तो बच्चे कितने, 3, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसलिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि लुईस एसिड है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और हाईली रिएक्टिव है। अब कार्बन तो ना तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रो नेगेटिव है, कार्बन क्या है, ना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना ही इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो वो ना तो पॉजिटिव चार्ज बियर करना चाहता है ना नेगेटिव चार्ज बियर करना चाहता है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने का काम कौन करेगा, प्लस आई, प्लस एम और प्लस एच। तो देखो ये प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्लस एम के हो गया और प्लस एच के हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई और माइनस एम के, ठीक। और इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्ट क्या होता है, एम एच आई मतलब मेसोमेरिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, फिर एच और फिर आई। इन केस ऑफ हेलोजन्स आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन प्लस एम इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे ध्यान रखेंगे क्या कि हेलोजन्स के केस में क्या होता है कि माइनस आई उनका ज़्यादा इफेक्टिव होता है किससे, प्लस एम से, ठीक। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन के आंसर्स में अभी डिस्कस कर ले रहे हैं क्वेश्चन है ना, यही तरीका है करने का। और कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे जिनके आंसर तो वीडियो में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे जीओसी वाले वीडियोस में, अदरवाइज तुम इस पे कमेंट करो आंसर, जल्दी से पहले 3 सवाल लगाओ और इनके आंसर बताओ, कि पहले 3 क्वेश्चन के, पहले 2 क्वेश्चन के आंसर फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर मैं करता हूँ डिस्कस, 1 सेकंड का टाइम लूंगा मैं। तो भाई इसके आंसर लिख दिए होंगे, है ना, ठीक है, पॉज करके लिखना होता है वीडियो, पॉज कर लो, पहले आंसर लिखो फिर देखो इसे, है ना। तो पहले का आंसर क्या लिखेंगे, देखो
अब पहला कैसा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, दूसरा कैसा है 3 डिग्री, और ये कैसा है 2 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में इस पे देखो तीन तरफ से प्लस आई लग रहा होगा, इसमें कितनी तरफ से लग रहा है, दो तरफ से और इसमें एक तरफ से। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, 2 अल्फा एच है, सॉरी 1 अल्फा एच है इसमें, ये अल्फा कार्बन है तो इसमें 1 अल्फा एच है, इसमें ये अल्फा और ये अल्फा तो 3 अल्फा एच है, सॉरी 3 कह रहा हूँ, कितने हो गए 7 अल्फा एच हो गए, और इसमें कितने हो गए ये अल्फा और ये अल्फा तो कितने हो गए 3 अल्फा एच हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा 2 स्टेबल होगा, फिर 3 होगा और फिर 1 होगा। तो 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, और ये कैसा है 3 डिग्री। तो आंसर इसका यही आ जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब देखो इसमें कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, सब में रेजोनेंस कर रहा है। जब रेजोनेंस कर रहा है तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगता है, प्लस आई और प्लस एच भी काम करता है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे काम करेगा, इस तरह से करेगा, अगर इस पूरी रिंग को तुम छुपा लो, यहाँ से यहाँ तक इसे छुपा लो, तो ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन है, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस आई और प्लस एच काम कर रहा है, यहाँ पे केवल प्लस आई काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस आई और प्लस एच काम कर रहा है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट तो दूर तक चला जाता है, वो कैसा है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें आई और एच दोनों ज्यादा लग रहा है। तो एच इसमें और इसमें एच बराबर लग रहा है, लेकिन इसमें आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर, 2 सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर 2 के बाद आ जाएगा 4 का नंबर, 4 के बाद आ जाएगा 3 का नंबर, 3 के बाद 1 आएगा, क्योंकि 1 पे कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा था। अच्छा अगला देखो भाई, अगला देखोगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस एम लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे ही लगता है। मेटा पोजीशन पे केवल माइनस आई काम करेगा, और पैरा पोजीशन पे माइनस आई और माइनस एम काम करेगा। तो जहाँ पे माइनस एम लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। माइनस एम लगने से स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 2। अब 1 और 4 में कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 4, क्योंकि उस 1 और 3 में कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3, क्यों, क्योंकि उस पर माइनस आई कम लग रहा होगा, 1 सबसे कम स्टेबल हो गया। ठीक है, तो सिंपल तरीके से देखने हैं, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो बिल्कुल डिटेल वीडियो में देख के वहाँ से और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे तो वहाँ से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब ऐसे सवाल में जिसमें सब रिंग बनी हो और सब पे रिंग पे ही पॉजिटिव हो, उसमें क्या चेक करते हैं, उसमें एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। तो इसमें ये कैसा है, इसमें 2π इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4π इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। और इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लिखते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, फिर 3 और फिर 2, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। सब में बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देख पाओगे तो इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 2 अल्फा एच है, इसमें 1 अल्फा एच है, और इसमें 0 अल्फा एच है, और प्लस आई भी लग रहा है सब जगह से। ठीक, और प्लस आई और प्लस एच में कौन ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट है, एच इफेक्ट है ना। तो आंसर क्या जाएगा, 1 सबसे ज्यादा क्या जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इसमें ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि एच इफेक्ट को देख ही नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, अगले क्वेश्चन में देखो कि NO2 कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई। कॉपी में भी ऐसे लिख लिख के करना है भाई, है ना, पहले सवाल को नोट कर लेना फिर अटेम्प्ट करना। ये माइनस आई लगा रहा है, इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है, ये प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है, और बेंजीन तो कुछ नहीं लगा रहा। ठीक, तो जिसपे प्लस एम लग रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यानी कि 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर जिसमें प्लस एच लग रहा है वो उससे ज़्यादा उससे कम स्टेबल होगा, तो 3 हो गया। फिर जिसमें माइनस एम लग रहा है वो सबसे कम स्टेबल होगा, और बेंजीन पे कुछ नहीं लग रहा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो प्लस एम जिसपे लग रहा है वो सबसे ज़्यादा, फिर प्लस एच, और फिर न्यूट्रल, और फिर माइनस एम, इस तरह से देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखो ये कंपाउंड कैसा है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड से हम क्या करते हैं, इसे देखो ये कैसा है, इसके पास कितने अल्फा एच हैं, ये अल्फा एच है। ठीक, इसके पास क्या है, ये एक अल्फा एच है, और यहाँ से क्या लग रहा है,
प्लस आई भी लग रहा है, तो ये 2 डिग्री है एक अल्फा एच के साथ, इसके पास ये एच है और ये एच है, इसके पास ये 3 डिग्री है और ये ब्रिज हेड पे है। तो याद रखना कि ब्रिज हेड कार्बोकैटायन कैसे होता है, सबसे अनस्टेबल होता है। लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका रीज़न, क्या लिखते हैं कि बी आर आई डी जी ई ब्रिज हेड कार्बोकैटायन्स आर लीस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल ड्यू टू ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू विच क्या होगा, अकॉर्डिंग टू विच क्या होगा भाई, कि ब्रिज हेड कैन नेवर बी प्लेनर, विच ब्रिज हेड कैन नेवर बी प्लेनर, ठीक, प्लेनर नहीं हो सकता, ये कहता है ब्रेट्स रूल। तो ये सबसे कम स्टेबल हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन करके आएगा तो इसे ही प्लेनर कर देगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ब्रिजेड वाला, ठीक। अब अगला, इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेंट ओवरलैप, इसमें क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बेंट ओवरलैप हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेंट ओवरलैप, जिसे हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। तो ये याद क्या रखेंगे, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, कोटा की लैंग्वेज में इसे डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, वैसे इसका टेक्निकल नाम क्या है, बेंट ओवरलैप। बेंट ओवरलैप की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड टूट के आ रहा है एंगल स्ट्रेन की वजह से तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो जिसमें ज्यादा बेंट ओवरलैप हो पाएगा वो और ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबलिस्ट कार्बोकैटायन्स में से ये है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाली बात हमें समझ में आ गई, ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्बोनाइन की। कार्बोनाइन में क्या होगा, कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया, नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो स्ट्राइक नंबर 4 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल है, लुईस बेस है और डायमैग्नेटिक इन नेचर है। सिंपल सी बातें हैं, देख लो आसानी से समझ में आ जाएंगी, इसमें तो कोई मुश्किल बात है भी नहीं, ठीक। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन किस पे डिपेंड करेगी, माइनस आई इफेक्ट पे, माइनस एम इफेक्ट से क्या होगी, बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज को ये क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, कम कर देंगे, तो उससे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्लस आई और प्लस एम से और प्लस एस से स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, प्लस आई प्लस एम और प्लस एस से स्टेबिलिटी घटेगी, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, माइनस आई और माइनस एम से स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस आई प्लस एम और प्लस एस से स्टेबिलिटी घटाएगा। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले इनके आंसर करो यार, मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, तुम इसके आंसर कर लो, 2 क्वेश्चन के आंसर करो, फिर आगे करते जाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते जाओ, उसके आंसर करो, फिर उसके बाद अपने आप, क्योंकि रिवाइज कर रहे हो तो सवाल लगाओ, लिख लिख के पूरा सवाल लिख लो, नोट्स मत लिखो पूरे, क्योंकि नोट्स तो लिखे ही हुए हैं ना तुम्हारे पास पहले से ही, तो नोट्स द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो भाई पहले का आंसर क्या होगा, कि ये कैसे इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई दूर हो गया और यहाँ पे प्लस आई बहुत ही दूर हो गया, तो प्लस आई जितना दूर उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, प्लस आई जितना दूर उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनओ टू में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई जितना पास उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, सिंपल बात है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है, तो रेजोनेंस कैसा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एम एच आई हम जानते हैं, तो लिख देते क्या, रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन माइनस आई, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट कह रहा है क्या, कि इस पे माइनस है तो ये क्या लग रहा है, अब देखो सी एस थ्री क्या लगा रहा है, यहाँ से माइनस प्लस आई लगा रहा है और प्लस एच लगा रहा है, माइनस चार्ज पे नहीं लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, बेंजीन रिंग पे लगा रहा है, ठीक है, बेंजीन इन टर्न किस पे लगाएगी, माइनस चार्ज पे लगाएगी, तो इस पे क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इस पे प्लस आई और प्लस एच लग रहा है,
तो हम जानते हैं जिसमें प्लस एच लग रहा है वो कम स्टेबल होंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आ गया? टू। फिर जिसमें एच दोनों में बराबर लग रहा है वन और थ्री में, तो पहले में ज़्यादा प्लस आई लग रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो टू थ्री वन आ जाएगा आंसर, टू थ्री वन आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला देख लो भाई, NO2 का कैसा इफेक्ट है? माइनस आई और माइनस एम, यहाँ पे केवल माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे माइनस आई और माइनस एम लग रहा है। ठीक, तो माइनस आई और माइनस एम जहाँ ज़्यादा लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यानी वन सबसे ज़्यादा हो गया, फिर थ्री हो गया और फिर टू, क्योंकि टू पे क्या लग रहा है? केवल माइनस आई लग रहा है, माइनस एम काम नहीं कर रहा। अब तो मैं माइनस आई माइनस एम ये तो याद ही होने चाहिए ग्रुप कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, कौन सा कहाँ पे काम करेगा, ये तो पता ही होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं ना इसे, तो मतलब आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या लग रहा है, सी एस थ्री क्या लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है और प्लस एच लगा रहा है। NO2 क्या लगा रहा है? माइनस आई और माइनस एम। इतनी तेज़ी से तुम्हें भी आने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइनस आई और माइनस एम और इस पर कुछ नहीं लग रहा, तो जिसमें प्लस लग रहा है वो सबसे कम स्टेबल होगा, तो वन सबसे कम स्टेबल हो गया। जिसमें माइनस आई माइनस एम लग रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो न्यूट्रल वाला बीच में आ गया। फिर NO2 का माइनस एम ज़्यादा होता किससे? सी एच ओ से, तो सी एच ओ वाला तीन नंबर आ गया। फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? टू हो गया। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है रिंग पे तो सीधे हम क्या चेक करते हैं? एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या करेगा? ये इसे बना देगा क्या? एंटी एरोमेटिक। ये इसे रेजोनेंस करके क्या बनाएगा? एरोमेटिक बना देगा इसे। और सात मेंबर की रिंग पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये गलत है, क्यों? इट कैन नॉट पार्टिसिपेट, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एज इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस बात को ध्यान रखना कि नॉन एरोमेटिक होना ज्यादा फायदे का सौदा है किससे? एंटी एरोमेटिक से। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू थ्री और वन, तीन मेंबर की रिंग पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि वो प्लेन के बाहर चली जाए, लेकिन सात मेंबर की रिंग और उससे बड़ी रिंग्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्लेन छोड़ के बाहर चली जाएं और स्टेबिलिटी को बढ़ा लें। ठीक, अब बात आती है फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल को सी एस थ्री रेडिकल कहते हैं। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी। कैसी है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। sp3 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे है? सात इलेक्ट्रॉन है। ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। ये कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो सेवन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक है लेकिन फाइल नहीं। जैसे हम लोग गरीब हैं लेकिन भीख नहीं मांग सकता। हम लोगों को पैसे की जरूरत है लेकिन भीख नहीं मांग सकता ना हम लोग। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक है, उसे जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। न्यूक्लियोफाइल तो होने कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, पैरामैग्नेटिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करते हैं किससे? ऑक्सीजन से। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज नोन एज रेडिकल स्कैवेंजर। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डाई रेडिकल, देयरफॉर इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। क्यों? ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल स्कैवेंजर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जो भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो स्टेबिलिटी क्या कर देगा? कम कर देगा। तो प्लस आई और प्लस एस से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई और माइनस एम से कम हो जाएगी स्टेबिलिटी। तो इन क्वेश्चंस को कर लो भाई, करो फटाफट अटेम्प्ट करो। मैं 10 सेकंड फिर से ले लेता हूँ। तो आंसर आ गया होगा भाई, लिखा होगा तुम लोगों ने पॉज करके, है ना? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखो भाई जरा। इसमें रेडिकल एक तरफ रेजोनेंस कर रहा है, इसमें दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है और इसमें तीन तरफ रेजोनेंस कर रहा है। तो ग्रेटर द रेजोनेंस ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ऐसे इसमें देखो, इसमें एक तरफ रेजोनेंस में आ रहा है, इसमें दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहा है, तो ग्रेटर स्टेबिलिटी। प्लस आई इफेक्ट से क्या होगी? स्टेबिलिटी रेजोनेंस मतलब रेडिकल की क्या होती है? बढ़ती है, है ना? तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में लग रहा है? वन में, फिर टू में, फिर थ्री में। और माइनस आई से क्या होती है? कम होती है। ठीक, NO2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो माइनस आई से कम होती है स्टेबिलिटी, तो क्या आ जाएगा आंसर? सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा स्टेबल? थ्री हो जाएगा। ठीक, तो बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक, 20 मिनट और लगेंगे यार, 80-90 मिनट में, डेढ़ घंटे में हम लोग इसे कंप्लीट कर ले जाएंगे। और इतना ही टाइम है तुम्हारे पास एक्चुअली करने के लिए। 8-8 घंटे की जीओसी रिवाइज नहीं कर सकते तुम, ये फैक्ट की बात है। मतलब तुम्हारा मन है, बाकी तो तुम्हारी मन की तसल्ली है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पहले एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ में क्या रखेंगे कि मान लिया हमने कोई एसिड एच ए है जो डिसोसिएट हुआ होगा एच प्लस और ए माइनस में, तो इसके लिए के लिख लिया। अब एसिड की स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करेंगे, के को ज़्यादा होना चाहिए यानी पी के को क्या होना चाहिए कम। अगर के को ज़्यादा होना तो एच प्लस को ज़्यादा होना चाहिए, ए माइनस को ज़्यादा होना चाहिए और एच ए को क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो वही मैंने लिख दिया, देखो के को ज़्यादा होना चाहिए, के ज़्यादा होगा तो पी के क्या होगा पी के कम होगा, के ज़्यादा तो पी के कम। लेकिन के को तो हमें थर्मोडायनेमिक डेटा है, कैसा है थर्मोडायनेमिक डेटा है, इसका भी क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि डेटा दे ही देते हैं और तुम्हें मिलाना होता कौन किसका है, तो इसे हम याद नहीं कर सकते। H प्लस के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, टाइट्रेशंस करने पड़ेंगे। एच ए के लिए भी हमें क्या करने पड़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए टाइट्रेशन करने पड़ेंगे। लेकिन ए माइनस की हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना क्या होगा एसिड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ए माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि जब ए माइनस की स्टेबिलिटी क्या होगी मोर होगी। और ए माइनस क्या है, ए माइनस एक्चुअली में कॉन्जुगेट बेस है किसका, एच ए का, तो लिख देते हैं ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस ग्रेटर विल बी द एसिड रेजिस्टेंस ऑफ एच ए। ठीक, तो ए माइनस की स्टेबिलिटी अब निगेटिव चार्ज है, एनायन की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एनायन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि माइनस वाले क्या करेंगे स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे और प्लस वाई वाले स्टेबिलिटी घटाएंगे। तो माइनस चार्ज माइनस आई माइनस एम से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और प्लस एम और प्लस एस से स्टेबिलिटी घटेगी। अब क्वेश्चन आ गया क्या कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो जरा क्या करेंगे, इनके सबके क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस बना लो पहले। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, आई माइनस का सबसे ज़्यादा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई माइनस की सबसे कम है, तो एच आई कैसा होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। जितना कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उतना एसिड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ऐसे ही H2S और इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा, H2O H2S और H2SE में भी सेम बात लग जाएगी, तो H2SE क्या होगा, स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक, अब इसमें कार्बन से निकालोगे तो कार्बन में क्या होगा, कार्बन बन जाएगा CH3- NH2- OH- और F-। इसमें हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी जब देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे तो स्टेबिलिटी इसमें देखने से क्या होगा कि जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो स्ट्रांग बेस होगा, वो स्ट्रांग बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस एसिड कैसा होगा, वीक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, एफ माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, एफ माइनस की, तो उसका कॉन्जुगेट बेस का एसिड कैसा होगा, स्ट्रांगेस्ट होगा। तो हम लोगों ने एक बात लिख ली, इंपॉर्टेंट बात क्या लिख ली यहाँ पे कि इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज। टॉप टू बॉटम आने पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इन अ पीरियड देन स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे आएंगे तो चार्ज डेंसिटी देखेंगे, लेफ्ट राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इससे सबसे एच निकालेंगे तो प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, ये प्लस आई लगा रहा, ये भी प्लस आई लगा रहा, ये भी प्लस आई लगा रहा, तो जिसका प्लस आई ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं ग्रेटर द प्लस आई, ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट, लेसर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। यही तो हम लोग देख रहे थे। अब इसमें देखो ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये कैसा है 2 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2। डिग्री नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है। अब इस क्वेश्चन को रिमेंबर रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना क्या कि वाटर जो होता है मेथनॉल इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है और वाटर मेथनॉल से कम एसिडिक होता है। मेथनॉल कैसा होता है, मेथनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से। ठीक, तो लिख लेते हैं, इसे याद रखना कि मेथनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक। तो आंसर क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, 2 सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, फिर 3 और फिर 1। ठीक,
अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे एस करेक्टर, ये एस पी थ्री है, ये एस पी टू है और ये एस पी है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। इसमें देखो ये क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, इसमें क्या लग रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है, और इसमें देखो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, थ्री, फिर वन और फिर टू। सेम गोज विद दिस, इसमें देखो क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन जाएगा, थ्री, फिर टू, फिर वन, माइनस आई जितना दूर उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। अब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ कि जितनी क्या होगा, माइनस जितना भी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, इसमें एक बार हो रहा, इसमें दो बार हो रहा, इसमें इस तरह से तीन बार हो रहा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, थ्री टाइम्स होगा। वाटर ऑफ फिनॉल में, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्योंकि फिनॉल में क्या हो रहा है, फिनॉल में क्या हो रहा है, फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा और वाटर में नहीं हो रहा। अब इसमें देखो इसमें क्या लगा रहा है, सी एस थ्री कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई और प्लस एच, एनओ टू कैसा लगा रहा है, माइनस आई और माइनस एन, ये लगा रहा है प्लस एन और माइनस आई, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, जिसमें माइनस एम लग रहा है, यानी कि थ्री सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। फिर सबसे कम उसके बाद कौन आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, फिर पैरा मिथाइल फिनॉल आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिसॉल आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्लस एम लग रहा है। ठीक, इसमें क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अगर तुम एनओ टू का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, तो ये एच हाइड्रोन बॉन्डिंग करता है, ये कैसा लगा रहा है, माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, और यहाँ पे जो एनओ टू है इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है माइनस आई और माइनस एम, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है थ्री, फिर हो जाता है वन और फिर होता है टू, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इसकी वजह से क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। ठीक, अगला देख लो भाई, इसमें क्या लग रहा है, माइनस एम और माइनस आई, इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई और माइनस एम, इसमें लग रहा है माइनस आई और माइनस एम, इसमें भी लग रहा है माइनस आई और माइनस एम। अब ये साथ दोनों कैसे हैं, ये दोनों फिनॉल्स हैं, ये सल्फोनिक एसिड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से आ रही है, सी ओ एच की वजह से आ रही है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फिनॉल, कौन सा, सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिनॉल्स में वन और टू माइनस एम से देख लेंगे। ठीक, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा, और इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर किससे करेगा, कार्बन के साथ रेजोनेंस करेगा। जब ऑर्थोमेटापैरा में बात आती है तो सी एल के साथ जब कर रहा है तो माइनस आई देखेंगे, माइनस आई, इधर भी माइनस आई और इधर भी माइनस आई, इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है प्लस आई, इसमें भी लग रहा है प्लस आई, और इसमें भी लग रहा है प्लस आई, तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था वन सबसे कम होना चाहिए था और थ्री सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमने इसे प्लस आई और प्लस एच नहीं देखा। ठीक, तो आंसर आया वन, फिर आया टू और फिर आया थ्री। वन आया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि जब बेंजीन बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा ग्रुप लगा देते हैं तो क्या करता है, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाती है। इसे अभी के लिए याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लिख सकता हूँ मैं, लिख दूँ, अगर देखनी है तो उसमें मैंने समझाया होगा वीडियो में, उसमें देख लेना क्या होता है, वेन अ बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सी ओ एच ग्रुप इन बेंजोइक एसिड्स द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड्स ऑफ ऑर्थो बेंजोइक एसिड्स या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लिख देता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड
बेंजोइक एसिड्स इंक्रीजेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेंजोइक एसिड में अकेला बेंजोइक एसिड था, देखना जरा ध्यान से, तो जब ये रेजोनेंस करना चाह रहा था तब ये भी रेजोनेंस करना चाह रहा था क्योंकि ये कैसे थे, सेम प्लेन में थे। लेकिन जब ऑर्थो पे हमने कोई ग्रुप अटैच कर दिया, ऑर्थो पे कोई ग्रुप अटैच किया, तो इस ऑर्थो पे ग्रुप अटैच करने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ, जिससे ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। क्या हुआ, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। इसके आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या हुआ कि ये रेजोनेंस खत्म हो गया, जिससे कि क्या हुआ, एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक आ गया हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ। कल की क्लास में हम लोग करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म में भी लगभग इतना टाइम लगाएंगे, तो जीओसी और आइसोमेरिज्म मिला के लगभग 3 घंटे का प्रोग्राम होगा, तो उसे देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई रिवीजन तो करना ही है, और सवाल जरूर लगाने हैं। सवाल मतलब 2022 के पीवाईक्यूज पढ़े, 2023 के पीवाईक्यूज पढ़े, और 2021 के भी पीवाईक्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे ध्यान रखना। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करेंगे, इसी तरह से हम बेस को वाटर से ट्रीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, BH और OH माइनस। ऐसे हम KB की वैल्यू निकालेंगे तो BH प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, OH माइनस ज़्यादा होना चाहिए, और B का ज़्यादा होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए KB ज़्यादा होना चाहिए, KA कम होना चाहिए, और PK जाना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं, टू चेक द बेसिसिटी ऑफ द बेस वी विल चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द डोनेटिंग आइटम। ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनेटिंग आइटम, ग्रेटर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द डोनेटिंग आइटम, ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, माइनस आई के इन्वर्सली होगी। प्लस एच और प्लस एम के डायरेक्टली होगी, और माइनस एम के कैसी होगी, इन्वर्सली, क्योंकि हमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी करानी है। अब स्टेबिलाइज नहीं करना, उसे क्या करना है, डी स्टेबिलाइज करना है, ठीक है। तो जैसा ये आ गया, अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी है तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल था, एफ माइनस पे भी हम लोगों ने देखा था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, तो क्या आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देते हैं इसे। अगला देख लो भाई, एफ सी एल बी आर आई में कौन ज्यादा बेसिक होगा, एफ ज्यादा होगा ड्यू टू चार्ज डेंसिटी, ठीक। जितना प्लस आई ज्यादा लग रहा होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जितना प्लस आई ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक, जितना प्लस आई ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इसमें देखो, जितना प्लस आई ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसमें भी वैसे देख सकते हैं। ठीक, इसमें देखो नाइट्रोन का लोन पेयर है जिसे डोनेट करना है, तो ये कैसा है sp3, ये कैसा है sp2, और ये तो sp है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होगा, sp3, ठीक। अब इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना, जब गैस फेज में होता है तो गैस फेज में कोई सॉल्वेशन काम नहीं करता है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाता है, 3, ठीक। लेकिन एक्वस फेज में जो ऑर्डर आता है वो याद कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है, 2 1 3 आता, क्या आएगा, 2 1 3 आएगा। गैस फेज में इसके लिए भी आंसर क्या आएगा, 3 2 1 आएगा, लेकिन एक्वस फेज में इसका आंसर 2 3 डिग्री फिर 1 डिग्री ऐसा आएगा। इन दोनों को याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए नहीं रट लेना कि मिथाइल के साथ क्या होता है 213 एक्वस फेज में, और इथाइल के साथ 231 होता है, ठीक है। एक्सप्लेन कर देंगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं कर रहे, है ना। फिर से क्या देख रहे हैं, नाइट्रोन पे हमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, नाइट्रोन पे क्या करनी है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। तो नाइट्रोन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, जितना प्लस आई ज़्यादा उतनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। अब अगर रेजोनेंस करेगा तो स्टेबलाइज हो रहा है, तो नाइट्रोजन क्या, जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये कैसा है, इसमें प्लस आई देख लो, प्लस आई इसमें दो तरफ से प्लस आई, और इसमें 3 तरफ से प्लस आई, ठीक। ऐसे इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा, इसमें 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, इसमें 2 तरफ से, और इसमें 1 तरफ से। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें बिल्कुल रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें 1 बार रेजोनेंस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 बार रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें डीलोकलाइजेशन 3 बार हो रहा है बेंजीन के साथ, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, ये हो गया, ठीक। फिर अगले 2 क्वेश्चन का आंसर अब कैसे करेंगे, इसे देख लेते हैं, ये सोचो भाई 2 क्वेश्चंस। अब इसमें देखो, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें प्लस आई और प्लस एच लग रहा है,
प्लस आई और प्लस एच लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है और इसमें प्लस आई और प्लस एच लग रहा है। तो देखने में तो मैं लगेगा कि क्या होगा, वन का बेसिक डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और फिर टू का, फिर थ्री का होगा, फिर टू का होगा, लेकिन ये गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस आई पी काम करता है। क्या काम करता है? एस आई पी काम करता है। क्या होता है कि नाइट्रोन का लोन पेयर जब ऐसा था तो ये क्या कर रहा था, अभी यहाँ से क्या कर रहा था, आराम से रेजोनेंस कर पा रहा था, ठीक। और जब इसने प्रोटॉन ले लिया, जब प्रोटॉन लिया तो हुआ क्या, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई सी S3 ने, तो इलेक्ट्रॉन लेने से हुआ क्या कि इसके तीन हाइड्रोजन लग गए। जब तीन हाइड्रोजन लगे तो ये sp3 हो गया। sp3 होने से इन दोनों के बीच में होने लगी लड़ाई, तो ये क्या करेगा, इसे कहेंगे SIP, क्या कहेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहेंगे इसे, ठीक। तो इस प्रोटोनेशन को इनहिबिट करने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसका आंसर जो आता है वो थ्री सबसे ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कह रहा हूँ, कि थ्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर टू होगा और फिर वन होगा। सेम काम इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्योंकि प्लस एम लग रहा है, प्लस एम स्टेरिक इनहिबिशन को कंपनसेट कर देता है काफ़ी हद तक, तो ये क्या कराएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रोटोनेशन का स्टेरिक इनहिबिशन इसमें भी होगा। भाई स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हो रहा है तो वो तो दोनों में ही होगा, लेकिन क्योंकि प्लस एम है तो वो ज़्यादा क्या कर रहा है, बेसिक कर दे रहा है। ज़्यादा बेसिक करने की वजह से क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो तीन ही आएगा, फिर वन आ जाएगा, फिर टू आएगा, क्योंकि इसका माइनस आई जो है वो उसे खींच ले रहा है पीछे, ठीक। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन समझ में आ गया। अब SIR की भी बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें SIR का भी थोड़ा दुख लग रहा हो कि सर SIR तो डिस्कस नहीं हुआ, तो अगर हम यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन के ऊपर CH3 लगा दें और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3 लगा के एक यहाँ पे CH3 लगा दें, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा भाई, बताना जरा, कमेंट करो फटाफट, कौन ज़्यादा बेसिक है। अब तो तुम सोचोगे कि इसका क्या लग रहा है, प्लस आई और प्लस एम लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, तो ये ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। ये ज़्यादा बेसिक है, लेकिन किस वजह से ज़्यादा बेसिक है, ये इसकी वजह कुछ और है। ये ज़्यादा बेसिक इसलिए है क्योंकि ये CH3 और ये CH3 आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसके रिपल्शन की वजह से जो नाइट्रोन का लोन पेयर है अब वो विल नॉट अंडरगो रेजोनेंस। कहाँ लिख दें इसे, नाइट्रोन का लोन पेयर के लिख देते हैं, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन वोंट अंडरगो रेजोनेंस ड्यू टू SIR। SIR का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसका मतलब क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और एक्सटेंसिव सवाल हम लोगों ने फुल लेंथ वीडियोस में लगाए हैं, PYQs कर दिए हैं 2022 और 2023 दोनों के, 2021 का PYQ आ रहा है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला लेक्चर होगा आइसोमेरिज्म का, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मर सारा ही एक बार में देखेंगे। तो उसके रिवीजन के बाद फिर हम लोग POC जरूर ध्यान रखना, POC एक दो बार जब तक देख लो ढंग से, जिससे सवाल लगा पाओ, क्योंकि POC के काफ़ी सवाल आए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, और लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।